नमस्कार दोस्तों, डॉलर रुपी का एक स्पेशल एनालिसिस मैं यहाँ पे बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक्चुअली इसीलिए बोल रहा हूँ प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि कल रात को मैंने यही एक रिपोर्ट बनाया हुआ था, दिस इज द वीडियो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं आया। आप देखोगे नो ऑडियो इज देयर। सो पूरा का पूरा एंटायर मेरा जो 16-17 मिनट का जो इफोर्ट्स था ये वीडियो को बनाने का पूरा बेकार गया। सो अगेन आई एम ट्राइंग टू मेक द वीडियो हियर। सो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज को ब्रेक डाउन किया हुआ है मेरा। अगर प्रीवियस एनालिसिस देखोगे कि प्राइस यहाँ पे इस रेंज के अंदर में, कौन सा रेंज है, 80-40-50 ऑन द लोअर साइड एंड 80-90-95 ऑन द हायर साइड, इस रेंज में फ्रस्ट्रेट कर रहा था। एंड जैसे ही 40-50 के आसपास आ रहा था, इनविजिबल हैंड्स यूज टू बाई एंड ट्राइंग टू टेक इट टूवर्ड्स 80-90-95, और वहाँ पे फिर सेल ऑफ आ रहा था, फिर नीचे की तरफ आ रहा था। एंड ये हो रहा था 9th ऑफ डिसम्बर ऑनवर्ड्स। सिर्फ आपका जो 9th ऑफ जनवरी में जाके इस रेंज के नीचे ब्रेकआउट किया हुआ है। जब ये यहाँ पे प्राइस सबको फ्रस्ट्रेट कर रहा था, उस टाइम पे मैंने यही बताया था, जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, एंड जितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उसके बाद उतना ही बड़ा एक ब्रेकआउट है। क्या ब्रेकआउट ऊपर की तरफ लेगा या ब्रेक डाउन नीचे की तरफ आएगा, दैट इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। यहाँ पे आप अगर देखोगे, जब प्राइस आपका 80-90-95 के आसपास आ रहा था, तो आप देखोगे RSI जो है वो आपका 40 के आसपास होवर अराउंड कर रहा था, एंड सॉरी 60 के आसपास होवर अराउंड कर रहा था, कि देर आर एक पॉसिबिलिटी था कि जैसे ही एक 83-83-10 के ऊपर क्लोज दे देगा, एक शॉर्ट कवरिंग उसको लेके जा सकते हैं 83.90 से 84.00 की तरफ। सो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पे आई वाज लुकिंग फॉर 84.00, लेकिन वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ नहीं है, रेदर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ है। उसका मेन रीजन इनविजिबल हैंड्स जो कंसिस्टेंटली बाय कर रहा था, जैसे रुपी नीचे आता है, वो इनविजिबल हैंड कल एंड परसों, यानी 9th of January एंड 10th of January पे ड्रास्टिकली मिसिंग था, एबसेंट था। दिस इज द रीजन कि ये एक अच्छा खासा सेल ऑफ आ गया है। और भी रीजन है, एक 10,000 crore rupees इक्विवेलेंट का SBI का इनफ्लोज यहाँ पे हिट हुआ है, दैट इज द एज पर द मार्केट चैटर्स, विच इज इक्विवेलेंट टू $1.2 billion इनफ्लो। एंड ऑल्सो आपका एक आपका NDF रिलेटेड सेलिंग इन प्रेशर्स सीन इन द मार्केट, फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड ऑफ ऑल, एंड द थर्ड ऑफ ऑल इज दैट एक बड़ा क्लाइंट का कुछ इनफ्लोज हिट हो रहा है बोल के मार्केट में एक बातचीत हो रहा है या चैटर्स हो रहे हैं। एंड वट एवर इट मे बी, प्राइस अपना काम कर रहा है, ठीक है। एक तो है कि हम एक ये देख सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसका जो स्टोरीज है उसको बिल्डअप करने का कोशिश करेंगे, और दूसरा वाला अदरवाइज वी कैन थिंक अबाउट द प्राइस एक्शन एंड प्राइस एक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। तो ये हो गया इस 81.57 ये क्लोजिंग US मार्केट में क्लोजिंग दिखा रहा है। ये तो हो गया आपका अभी तक का। देन व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट से पहले थोड़ा सा हम वीकली में एक बार एक झांक लेते हैं। वीकली में आप अगर प्राइस एक्शंस देखोगे तो यहाँ पे एक वॉलीटिलिटी डाइवर्जेंस आप देखोगे। वॉलीटिलिटी डाइवर्जेंस बोले तो बॉलिंजर बैंड टर्म्स में, एक बार आउटसाइड बॉलिंजर बैंड, दूसरे बार इनसाइड बॉलिंजर बैंड, एंड व्हिच मे टेक डॉलर रुपी टुवर्ड्स 80.50 की तरफ, ये है वॉलीटिलिटी डाइवर्जेंस का एक टारगेट है। उसके बाद अगर यहाँ पे एक आ जाता है आपका एम पैटर्न टाइप, दैट मीन्स आप देखोगे ये एक एम पैटर्न कब होगा, जब ये नेकलाइन 80.40 के नीचे क्लोज देगा तो इट विल कॉन्स्टिट्यूट एन एम पैटर्न। एम पैटर्न अगर होता है तो उसके बाद ट्रिगर, एम पैटर्न का ट्रिगर होगा इसके लो के नीचे। हालांकि हम वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच डॉलर रुपी व्यू, उसका जो रे हो सकता है 78.00, यानी एक बार अगर 80.4050 के नीचे क्लोज दे देता है, सो ये एम पैटर्न का जो ट्रिगर होगा, पैटर्न का
And we may expect 78.00. But as of now, we are not looking for that particular target. And monthly में अगर हम देखेंगे ये अच्छा खासा सुपर बुलिश मोड में है 67.46. That being the case, ये जो 78 का जो M का टारगेट है वो immediately as of now हम इसको means side में रखते हैं. So currently we are talking about 81.60, 56, 860 के आसपास है. तो what next में एक weekly जो outside inside volatility divergence है उसके basis पे हम expect कर सकते हैं 80.50 की तरफ आने का. that means क्या हम immediately short करेंगे इसको? No, immediately हमें इसको short नहीं करना है. जैसे एक uptick मारेगा उसके बाद हमें अगर एक selling opportunity मिलता है, that will be a great selling opportunity as far as the dollar rupee is concerned. इसको अगर हम करेंसी फ्यूचर का ये यूएसडी एंड जनवरी फ्यूचर का चार्ट है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि कल जो क्लोज दिया है 81.83 पे, सो यहाँ पे इमीडिएट जो सपोर्ट करेंसी फ्यूचर के हिसाब से हो सकता है, डेट इज फर्स्ट सपोर्ट होगा आपका 81.2535 एंड सेकेंड सपोर्ट जो हो सकता है आपका यहाँ पे 80.90 से 81.00 के इस लेवल पे दो सपोर्ट एज फार एज द करेंसी फ्यूचर जनवरी एक्सपायरी इज कंसर्न्ड, ये सपोर्ट हो सकता है. तो ये तो हो गया सपोर्ट का लेवल. अभी हम इसको ट्रेड कैसे करना है? इसको अगर ट्रेड करना है तो यहाँ पे दो मूविंग एवरेजेस है, एक है 66 मूविंग एवरेज, दूसरा वाला है 34 मूविंग एवरेज, और एक है 5 EMA. सो 5 EMA को अभी फिलहाल साइड में रखिए. तो यहाँ पे आप देखोगे कि कितना अच्छा एक मीन्स सेलिंग यहाँ पे दिख रहा है. तो ये जब भी प्राइस नीचे के तरफ मीन्स पुल बैक करेगा ऊपर के तरफ एंड उसके बाद नीचे आएगा, वी लुक फॉर ए सेलिंग अपॉर्चुनिटीज. जैसे कि हमारा एक एग्जांपल्स के लिए आप देखोगे ये बैंक निफ्टी का जनवरी फ्यूचर है. यहाँ पे ये 5 मिनट का चार्ट है. आप यहाँ पे देखोगे प्राइस कल का जो था ये आपका ओपनिंग इस लेवल पे था, उसके बाद सेल ऑफ आया है. सेल ऑफ आने के बाद यहाँ पे एक नीचे आया, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी था, फिर ऊपर जाके पुल बैक करके फिर नीचे आया, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है. अभी फिर ये पुल बैक दिया है, अभी कॉन्फर्मेशन के बाद हम यहाँ पे एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सिमिलरली डॉलर रुपी में भी आप अगर इस मूविंग एवरेज का हेल्प लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो. एंड आपका जब भी ये पुल बैक करेगा ऊपर के तरफ, देन वी मे लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज. एंड यहाँ पर भी ऑलरेडी 2-3 अपॉर्चुनिटीज आपका आ चुका है. आप देखोगे यहाँ पे सेलिंग होने के बाद एक पुल बैक आया, फिर एक आपका सेलिंग अपॉर्चुनिटीज आया, फिर आप देखोगे यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज आया. ये तो ऑलरेडी हो चुका है, मीन्स कल के प्राइस एक्टिविटी में हो चुका है. सो ये बोलने के लिए काफ़ी आसान है कि हम ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, फलाना ढिमकाना, ऑल दिस थिंग्स. लेकिन व्हाट नेक्स्ट, यानी आज मार्केट जब 9 बजे ओपन होगा उसके बाद क्या हमें इमीडिएटली सेल ऑफ करना है? आप अगर मेरे को पूछोगे तो मैं इमीडिएटली सेल ऑफ नहीं करने वाला हूँ. तो मैं कैसे ट्रेड करूँगा? आई विल वेट फॉर प्राइस टू मूव हायर. पुल बैक करने का है, उसके बाद एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे. जब जब ये पुल बैक का आएगा एंड उसके बाद सेलिंग का कुछ ट्रिगर्स आएगा, हम सेलिंग के लिए मौका ढूंढेंगे. सो यही है यहाँ पे कि हाउ टू ट्रेड ऑन 11th ऑफ जनवरी डॉलर रुपी. सो ये हो गया मीन्स इंट्राडे पर्पस में हम इसको कैसे देख कर सकते हैं. और अगर आप डेली टर्म्स में देखेंगे तो डेली टर्म्स में आई एम लुकिंग फॉर ए पुल बैक. ये पुल बैक कहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप देखोगे ये है बोलिंजर बैंड का सेंटर बैंड. ये जैसे जैसे प्राइस नीचे जाएगा बोलिंजर बैंड भी सेंटर बैंड भी नीचे आता रहेगा, दिस वन. तो अगर प्राइस यहाँ पे एक ऊपर की तरफ अपटिक लेके फिर सेल ऑफ होता है एंड दे आर बाई टेकिंग रेजिस्टेंस ऑन द सेंटर बैंड अगर लेता है तो इट इज गोइंग टू बी एन एक्सीलेंट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज एज फार एज द डॉलर रुपी इज कंसर्न. तो यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम में इस टाइप का अगर प्रेजेंटेशन होता है तो इस टाइप का एक प्राइस एक्शन आता है तो हम
सेलिंग के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस इंट्राडे में जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं कि इंट्राडे में पुल बैक में हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज ट्रायो का हेल्प लिया है, तो आप चाहे तो आपका जो भी सेटअप है वो चाहे आपका क्या बोलते हैं RSI हो, वो चाहे आपका सुपर ट्रेंड हो, वो चाहे आपका एनीथिंग इचिमुकु हो, जो भी हो, इचिमुकु क्लाउड के ऊपर जाने के बाद फिर दोबारा जब सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आएगा वहाँ पर भी आप 5 मिनट के बेसिस पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। सो यही है मेरा मीन्स हाउ टू लुक एट डॉलर रुपी ऑन 11th of January। आप बोलोगे कि मीन्स ऐसे कैसे होता है, बिकॉज डॉलर रुपी ट्रेडिंग इज नॉट दैट मच ग्रेट लाइक अदर करेंसी ट्रेडिंग। अदर करेंसी ट्रेडिंग पे जैसे कि आपका GBP डॉलर हो गया, यूरो डॉलर हो गया, डॉलर येन हो गया, वहाँ पे मीन्स इतना लिक्विडिटी है कि माइनर फ्लोज मीन्स माइनर मीन्स 1 बिलियन 2 बिलियन 5 बिलियन का फ्लो मीन्स प्राइस एक्शन को मीन्स आपने रस्ते से हिला नहीं सकता। लेकिन डॉलर रुपी का स्पेशलिटी अलग है, यहाँ पे 500 मिलियन भी इनफ्लो या आउटफ्लो मार्केट को हिला सकता है। उसका एक ट्रेंड जो है, एक टेक्निकल जो ट्रेंड है उसको बिगाड़ सकता है। सो इसीलिए आप मीन्स इसीलिए ये जो डॉलर रुपी का जो टेक्निकल वे पे एनालिसिस इतना आसान नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारा फैक्टर्स है, एक तो है फ्लोज वेदर द कॉरपोरेट इनफ्लोज और द आउटफ्लोज दैट आर हिटिंग द मार्केट, सेकेंड इज इनविजिबल हैंड्स बाइंग कंसिस्टेंटली और सेलिंग कंसिस्टेंटली, एंड थर्ड वन इज सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, सम सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द सेंट्रल बैंक टू इट्स इंडिपेंडेंट मीन्स रेस्पेक्टिव बैंकर्स के ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो मेनी अदर फैक्टर्स आर देयर एंड ऑल्सो लिक्विडिटी इज नॉट ग्रेट इन कंपेरिजन टू अदर ग्लोबल करेंसीज। सो दिस इज द रीजन यहाँ पे हमें उस फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली ट्रेड करना पड़ेगा। सो इसीलिए ब्लाइंडली शॉर्ट करके कोई फायदा नहीं है, उसको आपको थोड़ा सा टाइम देना है एंड पुल बैक में, क्योंकि ये एक 5 मिनट में आप देखोगे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज आ रहा है। हाँ, यहाँ पे कब शॉर्ट नहीं करना है, जब ये आपका मान लो ये आपका हो गया 66 मूविंग एवरेज और यहाँ पे देखोगे करेंटली 66 मूविंग एवरेज ऊपर है एंड 34 मूविंग एवरेज नीचे है। जैसे ही 66 मूविंग एवरेज नीचे आ जाएगा एंड आपका 34 मूविंग एवरेज लाइक दिस ऊपर आ जाएगा इन सच ए सिनेरियो, 5 मिनट में अगर इस टाइप का इन सच ए सिनेरियो हो जाता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है करंट मार्केट का, तो हम सेलिंग का प्रयास नहीं करेंगे, रेदर वहां पे हम बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज लेंगे। झटका यस, मार्केट जैसे इंडिकेशंस देगा वैसा ही हम ट्रेड करेंगे। मार्केट बोलेगा शॉर्ट कर तो हम आग बंद करके शॉर्ट करेंगे, मार्केट बोलेगा लॉन्ग कर तो हम आग बंद करके लॉन्ग के लिए प्ले अराउंड करेंगे। सो ये है मूविंग एवरेज का स्पेशलिटी। एक छोटा सा एक आपको देते हैं ग्लिम्स, यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा 66 ऊपर है और 34 नीचे है, तो हम सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे थे। यहाँ पे इस पर्टिकुलर बकेट पे आप देखो कि हम बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे एंड आपका थोड़ा सा देखते हैं ये जो रेंज है, यहाँ पे देखो कि हम बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली बाई करेंगे, कन्फर्मेशन आर नीडेड। आप देखोगे आपका यहाँ पे ये पर्टिकुलर रेंज पे हम सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, समथिंग लाइक दैट। आपको आशा करता हूँ ये मीन्स समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे देखिए इस लेवल के बाद मैं बाई नहीं करूँगा, बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। तो स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड पे हमें लॉन्ग करने का अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगा, लेकिन हाफ वे में 30-40-50% ऑफ द मूव हमें मिल जाएगा कि उसको बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज करने के लिए। अभी दैट बीइंग द केस, आपके लिए एक जस्ट सवाल है, फ्रॉम इस लेवल से इस लेवल तक क्या करना है? इट्स सो इजी, तो यहाँ पे सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है। सो वही मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो आपको बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है। यहाँ पे आपको
छोटा सा सेलिंग का अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है एंड सो ऑन. सो दैट इज द रीजन अभी हम लॉन्ग के लिए अपॉर्चुनिटी कब ढूंढेंगे, जब इसका जो आपका मूविंग एवरेज का 66 नीचे आ जाएगा, 34 ऊपर चला जाएगा. इन सच केस वी लुक फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी. स्टिल दैट टाइम इस टाइप का अपॉर्चुनिटीज है सेल ऑप्टिक्स. दिस इज द स्पेशल डॉलर रुपी एनालिसिस एंड हाउ आई लुक एट द डॉलर रुपी ट्रेडिंग. इसका एक छोटा सा प्रेजेंटेशन से आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा. इफ सो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग द डॉलर रुपी ट्रेडिंग कम्युनिटी. Thank you and have a great day ahead.